हेलो एवरीवन, आ गए हम मोदी जी से मिलने। जा रहा हूँ मोदी जी से मिलने, मुंबई एयरपोर्ट पे आ गए हो। मुंबई से वाराणसी जाएंगे, वहाँ पे हम देखते हैं मोदी जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाया है रोजगार भवन में। चलिए। फाइनली वाराणसी में तो आ गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है, फ्लाइट काफ़ी लेट था। फाइनली हम लोग आ गए हैं अर्ली मॉर्निंग रोजगार मेले में। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रोजगार मेले में मोदी जी से मिलने काफी सारे लोग खड़े भी है। काफी सारे लोग आए हुए हैं मोदी जी से मिलने। पता नहीं मोदी जी का एक्टिंग भी कर रहे हैं। यहाँ कुछ तो रजिस्ट्रेशन है। हॉल में आ चुके हैं, मोदी जी का वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा शक्ति को संबोधित करें। नमस्कार। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सांसदगण, विधायकगण, देश के युवा साथी, देवी और सज्जनों, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। दो दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा क्योंकि दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया मैं बताता हूं। विशेष क्या है, 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बने। उत्सव के इस माहौल में आज इस पवन पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार ने परमानेंट सरकारी नौकरी देने का श्रेय
सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आपके से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान, हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना फर्जी बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में 51,000 साथियों, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। कितने प्यास को हमारा विश्व है कर्नाटका हाँ सर, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलके कैसा लग रहा है? बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज धनतेरस पे हमको इतना मजा आ रहा है जितना मजा शायद जिंदगी में कभी नहीं आया हो। एकदम चिल धनतेरस पे हमें आज एकदम दिख रहा है आपके चेहरे पे खुशियाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, जिंदगी में ऐसी खुशी पहली बार हुई है। और मेरे जितने भी भाइयों को आज जो सेलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। दीपावली के साथ साथ इस खुशी के साथ उनकी दीपावली की खुशियाँ दोगुनी हो जाए और उनके घर वालों की भी और उनके घर वालों को भी और उनके घर वालों को बहुत बहुत बधाई। और अपना ईमानदारी से काम करिए, सब अच्छा होगा। जय हिंद। आपको कैसे खुशी हो रही है? जय राजस्थान। खुशी तो बता नहीं सकते, इतना खुशी हो रहा है। माई लाइफ चेंज होने वाला है। एक ऐसा दिवाली के पहले ऐसा खुशखबरी किसको किसको मिलता है, हमें मिली है। सबसे ज्यादा खुशी और किसी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सब लोग इसको फोर्स कर रहे हैं।